यार सुबह जल्दी जोचना है। अच्छा आपका ख्याल है कि इतने सारे अलार्म आपको वक्त की पाबंदी सिखा देंगे। हाँ लेकिन तुम हंसे क्यों? आपके भोलेपन पे साहब जी। साहब जी ये भला कड़िया आपको वक्त की पाबंदी सिखा सकती है? साहब जी वक्त की पाबंदी की आदत तभी पक्की होती है जब बंदा अल्लाह की बनाई हुई घड़ी की सुइयों पर चलना सीख लेता है। अल्लाह की बनाई हुई घड़ी की सुइयां क्या मतलब? नमाज साहब जी नमाज। साहब जी आप 5 वक्त की नमाज पढ़ना शुरू करते ना फिर देखें कमाल। वाह 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 क्या वक्त की तकसीम की है मेरे मौला ने। फजर उठो काम की तैयारी करो दिन उगाया। सहर जरा रुको दम लो खाना शाना खा लो सस्ता लो। असर मतलब दिन टल गया घर की तरफ निकल जाओ अल्लाह का नाम लेकर। मगरिब शाम उतर आई तस्वीर उठाओ थोड़ी चहल कदमी करो थोड़ा विर्द करो। अब आती है ईशा और साहब जी अल्लाह की बनाई हुई घड़ी ने बंदे के लिए लाने नींद कर दी है। बदन को आराम दो रूह को आजाद कर दो ताकि वो ख्वाब नगर की सैर करती फिरे। बदन भी खुश रूह भी सुकून में। जरा सोचे साहब जी वो तो बेनियाज है उसे हमारे सजदों से क्या इस नमाज से फायदा तो बंदे का ही है ना।